रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें शिखास किचन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि दूध में से हमें मलाई को किस तरह से अलग करना है, क्योंकि जब भी हम घी बनाने के लिए मलाई को स्टोर करते हैं तो बहुत सारा दूध उस मलाई के साथ उस बर्तन में आ जाता है। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मैं दूध में से मलाई को निकालूँ। तो मलाई को निकालने के लिए मैंने यहाँ लिया है एक स्टील का बर्तन। कभी भी आप किसी प्लास्टिक के कंटेनर में मलाई को स्टोर ना करें, क्योंकि हम मलाई को 8 से 10 दिन तक के फ्रीज में रखते हैं। और क्यों हम इसे प्लास्टिक में रखें, हमें प्लास्टिक के बर्तन थोड़े अवॉइड करना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्टील का बर्तन लिया है। तो सबसे पहले ये जो मेरा यहाँ का दूध आप देख रहे हैं, 1 लीटर से ऊपर ये दूध है, जिसे कि मैंने गर्म किया था सुबह और 5 घंटे से ये फ्रीज में रखा हुआ है। अब इस दूध का मुझे यूज़ करना है, तो यूज़ करने से पहले मैं इसकी मलाई निकाल लेती हूँ। तो मलाई निकालने के लिए मैं इस तरह से नाइफ़ की मदद से चारों तरफ बर्तन के चाकू से मलाई को काट रही हूँ, ताकि मेरी मलाई पूरी एक साथ बाहर आ सके, टुकड़े टुकड़े में मलाई न आने पाए। अगर टुकड़े में आएगी दोस्तों, तो बहुत सारा दूध हम मलाई के साथ ही आता है, फिर हमें घी बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने एक लिया है बड़ा स्पैचुला लिया है, छेद वाला लें दोस्तों। छेद वाला मैंने यहाँ इसलिए लिया है कि जो भी दूध है इस मलाई में वो निथर कर दूध की भगोनी में आ जाए और इस मलाई में बिल्कुल भी दूध न आने पाए, जिससे कि हम दूध का वेस्टेज ना करें, क्योंकि 10 दिन तक के हमें इस मलाई को स्टोर करना है, नहीं तो दूध भी साथ में आएगा। आप देख रहे हैं मैं इस मलाई को इस स्पैचुला पर रखी हूँ, इसे रखे हुए मुझे 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं, पर मेरी मलाई बिल्कुल नहीं टूट रही है। और दूध भी आप देख रहे हैं, जितना दूध इस स्पैचुला से गिरना था छेद में से, वो निकल चुका है, इस बर्तन में आ गया है, अब बिल्कुल भी दूध नहीं है। आप भी इसी तरह से जब भी मलाई को स्टोर करें, तो एक बड़ा कोई स्पून लें, कोई बड़ा चम्मच लें, जिसमें आपकी पूरी मलाई एक बार में आ जाए। और नहीं भी आती, मान लीजिए टुकड़े में भी आती है दोस्तों, तो आप उसे थोड़ी देर इसी पोजिशन में रखें, ताकि जो एक्स्ट्रा दूध है वो निकल जाए। अब आप देखिए, इस मलाई को मैं एक स्टील के बर्तन जिसमें मुझे 8-10 दिन स्टोर करके रखना है, उसमें डालूंगी। इसमें आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल भी दूध नहीं है, इसे लटकाए हुए 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं, ये वैसी की वैसी मेरी मलाई है। आपने देखा, बिल्कुल रोटी के जैसी मोटी मलाई मेरी निकली है। अब इस मलाई को मैं इस चम्मच से अलग कर रही हूँ। इस दूध को मैंने मुश्किल से 4 से 5 घंटे ही फ्रीज में रखा है दोस्तों। सुबह के 10 बजे आया था और आपको मैं शाम के 5 से 6 बजे के बीच करीब ये शूटिंग में आपको दिखा रही हूँ कि इतनी मोटी मेरे यहाँ मलाई जमती है। ये है मेरे यहाँ के पहले दिन की मलाई दोस्तों। कम से कम 1 वीक के अंदर मैं घी बना ही लेती हूँ, दूध भी बहुत अच्छा आता है। ये है बफेलो मिल्क। आप लोग पूछते हैं मुझसे कि मैं कौन सा दूध यूज़ करती हूँ, मैं हमेशा भैंस का दूध यूज़ करती हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से हमें रोज़ मलाई खट्टी करती जाना है और मलाई को रखना है हमें फ्रीज़र में, कभी भी फ्रीज में स्टोर ना करें, क्योंकि 10 दिन तक की हमारी मलाई ऐसी ही रहने वाली है, तो हम हमेशा इसे फ्रीज़र में स्टोर करें। आपने देखा दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी दूध नहीं आया है। तो इस तरह से आप भी घर पर आसानी से मलाई निकाल। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो यदि आप लोगों को अच्छे लगते हो, यूजफुल लगते हो, तो उसे करना है आपको लाइक और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। मेरे दोनों चैनल शिखास किचन और टिप्स थिएटर को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आपको वो बहुत यूजफुल लगते हैं तो उसे आप शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें।